गल करते हैं भाजपा आगुआ की, जो कि हूँ किसान आगुआ के उत्ते जड़े ने पूरी तरह वरदे हुए विखाई दे रहे हैं। सुरजीत जियाणी जड़े ने उन्होंने किसान आगुआ के उत्ते अच तिखा हमला किया। सुरजीत जियाणी ने कहा कि किसान आगुआ की शह से पंजाब के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। सुरजीत जियाणी ने इल्जाम लगाया कि किसान जड़े ने वो एक पेट्रोल पंप तो पैसे लैके दूजे पंप नू बंद करवा रहे ने। 26 जनवरी नू लैके उन्होंने कहा कि किसानों ने उस दिन बहुत वड्डी बेवकूफ़ी की सी। ये जियाणी का बयान है। तो यह भी कहा कि जे अमित शाह समझदारी ना वरतदे तां लाल किले च दूजा जलियांवाला बाग बन जाना सी। ते नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान इस वेले इकट्ठे ने तो सरकार तो अपना कर्जा माफ़ करवाउण बारे गल करन। जिहड़े कानून ने वह बहुत चंगे ने, ते तुसी कर्जा माफ़ करा लो, सरकार वो कर्जा तुहाडा माफ़ कर देगी। ये सुरजीत जियाणी बयान दे रहे ने। किसानां ते सरकार दे विचाले लगातार पुल दा काम कर रहे सुरजीत जियाणी साडे नाल ने, उन्हां नाल गल करदे आं कि हुण किसानां ते सरकार दे विच अगली मुलाकात कदों होएगी। जियाणी साहब, अगली मुलाकात कदों, क्योंकि प्रधानमंत्री कहिंदे ने कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने कोई झूठ कही है, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि असीं आपदी गल ते स्टैंड है। जो साहब नाल दी लास्ट मीटिंग दी गल होई सी, असीं उत्ते स्टैंड हैगे, पर जथेबंदियां नूं इक फोन की लोड़ है और मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर जथेबंदियां फोन करन और मीटिंग करके किसानों का भला करन और किसानों नूं अपने अपने घरां च भेजन, मेरी तो प्रेस मतलब प्रार्थना यही भी है। लेकिन जनी साहब, जिहड़ी गल तुसीं कहिंदे हो कि उस स्टैंड ते हैगे ने, उस स्टैंड नूं तो नकार चुके ने, कहिंदे ने कि रिपील ही चाहिए, सस्पेंशन नहीं चाहिए, सानूं रद्द करो इन्हां नूं। देखो, एक गल मैं तुहानूं स्पष्ट कहनी चाहुंदा, तुहाडे माध्यम नाल जथेबंदियां अगर सुणदियां होण तां मेरी गल सुण लै। जिम्मेवारी बनती है सारी दी सारी पंजाब दी जथेबंदियां जिहड़ी 32 इकट्ठी होके आईआं, जिहदे विच राजेवाल साहब, डॉक्टर दर्शनपाल और बूटा सिंह डल्लेवाल, ये सारे वो है। देखो, पंजाब दे विच अज की हो रहा है, अज किसानी के नाँ के विच गुंडागर्दी हो रही है। अज जिहड़ा लाल किले ते गल गई है, तो जिम्मेवारी सारी इन्हां दी है, जथेबंदियां दी। अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ हो रही है, अज पंजाब च पता की हो रहा है, अज पंजाब दे विच की हो रहा है कि एक पेट्रोल पंप बंद किया गया रायंस पंप का, तो नाल वाले पंप तो पैसे लिते जाते हैं, तो वह पंप वाले कहें भी ठीक है तुम इतना बंद रखो तो मैं पैसे दे। इस तरह मॉल कोई बंद, जो बाबा रामदेव की दुकान कोई बंद, और इस तरह हुण की है कि गुंडागर्दी किसानी के नाते, इन जथेबंदियों के नाते हर एक ने झंडा चक्या होया, और पहचान नहीं बंदा कौन है, और लोगों से दबकी मार के किसान जथेबंदियों का वो दिखा के असर, और इस तरह ही चोणों के विच भी। फिर जानी साहब, तुम समझा क्यों नहीं पा रहे, किसान क्यों नहीं समझे, फिर वो सड़कों पर क्यों बैठे है? देखो, गल मैं एक कहता, कॉमरेड कॉमरेड कॉम्युनिस्ट जिन्होंने बंगाल का नाश करता, बंगाल हिंदुस्तान के पहले नंबर पर सी, और वो बाद मैं उदाहरण देना चाहता, कॉमरेडा का झंडा जिस कारखाने फैक्ट्री लग्या, फैक्ट्री का धुआं बंद जदों तक नहीं होता उदों तक इन्हों का झंडा नहीं लेंदा। गंगानगर मेरे को जिला उत्थे जाके पूछो, मेरे फाजिलका मिल सी, अबोर मिल सी, मलोट मिल सी, पंजाब च मिलना किनिया कपड़ा मिले, धागा मिल, इन्होंने जी है मामूली लीडरी के आके इन्हें झंडा ला के वो बंद की है। तो कामरेटा के ऑलरेडी पहले ही पिंडा एक अजी हवा बना बना के और लोगों मतलब है। बाकी मैं कहता, कोई कहते जी को अच्छी तो गुमराह होने वाले नहीं है, तुम गुमराह होने वाले नहीं हो, पर बिल वेख लो। प्रजातंत्र के जिस तरीके बॉर्डर बंद किए हैं, किल ला के, सीमेंटेड बैरीकेड ला के, कंडियाली तारा ला के, वो प्रजातंत्र का हिस्सा हो सकता है? जानी साहब, जिस तरीके असं अपने किसानों तो मैं इतबार करदा, और तुम आपकी बेइतबारी दिखा दो। देखो, 26 जनवरी पहली गल तो इन्होंने वो दिन नहीं रखना चाहिए। सब तो बड़ी मैं बेवकूफ़ी कहंगा, और बोला देश देश के हित में नहीं है गल। 26 जनवरी साढ़े वास्ते बहुत बड़ा दिन है, इन्होंने क्यों रखा? 27 कर लेंगे, 28 कर लेंगे, कर लिया चलो, सरकार ने मान ली, सरकार ने हर एक गल मनी है, धन्यवाद करता सरकार का, नहीं तो इतने दूजा जलियांवाला बाग बन गया। जे अमित शाह जी की सोच, मोदी साहब की और दिल्ली पुलिस की सोच ना होती, आप दे शरीर से डांगा खा के यातना सह के उन्होंने देश को ठीक रखे। मेरे देश के लाल सपूत जिहड़े कलाकार ने, जिन्होंने किन्ने महीनों तो जिहड़े गंदे गाने, किस तरह के गाने लिख लिख के भड़का भड़का के की लोगों के गाने प्रति लोगों गल कह रहे हैं, तो यह तो उन्होंने शाबाशी है। असी तो यह गल कहते भी किसान इतने से, असी किसान है भराओ, आप किसानों का भला करिए। मैं तो इतों तक यह भी जिद ना करिए, किसानों कर्जा मुक्त करिए, किसानों कर्जा तैयार है सरकार, अज जे अगर इन्नी वीडी असी ताकत दिखाई है और किसान का भला कराइए,
अगर असीं एवें उठ गए ना तो किसी ने कदे किसान की सुननी नहीं। मतलब कर्जा मुक्त करने लई भी सरकार तैयार है तुसीं ये कह रहे हो? किसान तो सब कुछ, किसान तो देखो किसान सरकार किसानां दी है और कहता इन्होंने भी आ जाओ करो गल तो करो कोई गल गल बस मतलब है कि बिल वापस लो बिल कानून रद्द करो यार कानून रद्द करने वास्ते सरकार ने सब कुछ बड़ी बड़ी गल कह रहे हो जानी साहब की सरकार जो लोन वेवर की भी गल आएगी तो सरकार लोन वेवर नूं भी तैयार है? तैयार है सरकार तो किसान वास्ते सब कुछ तैयार है सरकार ने कह है पर गलत कर जाके आराम नाल बैठ के साढ़े नाल सुजीत कुमार जानी सन जो कि अपने विचार साढ़े नाल सांझे कर रहे सन कैमरामैन प्रदीप राणा हरप्रीत सिंह पीडीसी न्यूज़ दिल्ली। एक होर भाजपा आगू के बयान तुहानू सुणाउंदे आं हरजीत गरेवाल इन्होंने भी किसान आगुआं दे उत्ते वड्डा इल्जाम लगाया। हरजीत गरेवाल ने कहा कि ये लोग जिहड़े ने 1984 सिख नसलकुशी वर्गा दाग जिहड़ा भाजपा के उत्ते लगवाउणा चाहुंदे सन। उन्होंने कहा कि लाल किले के किसी भी दोषी नूं बख्शा नहीं जाएगा तो वार वार जिहड़े किसान आगुआं नूं कामरेड कह के उन्होंने भंडिया जा रहा कामरेड किसान आगुआं नूं विदेशों तों फंडिंग मिल रही है शह मिल रही है ये एक बार फिर तो भाजपा आगू जिहड़े इल्जाम लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भोले भाले किसानों नूं किसान आगू वरगला रहे हैं। हरजीत गरेवाल अपने आपे तो बाहर होंदे हुए एक बार फिर तो किसान आगुआं दे उत्ते वड्डे इल्जाम लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाजपा दे उत्ते ये लोग 1984 सिख नसलकुशी वर्गा दाग लगवाना चाहते सन तो नाल ही कह रहे हैं कि एक कामरेड किसान आगू ने इन्हां नूं विदेशों तो शह मिल रही है तो भोले भाले किसान जिहड़े ने उन्हां नूं वरगलाया जा रहा। किसानी बिलों को लेकर लगातार जो संघर्ष जारी है तो लगातार जोड़े लीडर ने वो कह रहे हैं बीजेपी वालों कि किसानी बिल चंगे ने तो किसान कहते हैं ये बिल साढ़े हिता च नहीं। मेरे नाम हरजीत सिंह गरेवाल बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद ने उन्होंने गल करते हैं। गरेवाल साहब कहानी अजे भी उत्थे दी उत्थे है कोई खास फर्क नहीं आया तुसीं कहिंदे सी शायद मसला सुलझेगा लेकिन उत्थे ही कहानी है जिथे पहले दिन इस तरह मसला तो सुलझे अरे जिहड़े कम्युनिस्ट है ना ये जिहड़ी फैक्ट्री दे लाल झंडा लांदे आ जदों तक वो बंद ना हो जाए उदों तक के भले मनस जाते नहीं। इस करके इन्होंने किसान अंदोलन से झंडा गढ़ता तो इन्होंने उदों तक ये जोगिंदर यादव हनन मौला ये जोगिंदर सिंह उबराहा दर्शनपाल ये सारे यही ने तो यही फैसला होने दे फैसला तो होया पिया सरकार ने सारिया गल्लां मान लिया तो सब कुछ हो गया। असी अज भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी नाल गल करके आए नरेंद्र सिंह तोमर जी नाल तो वो तैयार ने वो कहते भी कोई प्रपोजल दसन कोई गल दसन सी जो करना सी करता होर जो करवाना ये तो उस तो बाद जाके इन्होंने तो यह सरकार धमकाना शुरू करता देश का अपमान शुरू करता तो इस करके ये गल्लां इन्हां दीआं चलणियां नहीं है। कम्युनिस्टां नूं असीं कहिंदे आ कि बाज आ जाओ हरकतां तो जिन्हें जिन्हें भी गलत काम किया उसनों जरूर सजा हो। ये तो मोदी जी नूं और अमित शाह जी नूं और दिल्ली पुलिस नूं सल्यूट करते हैं असीं कि उन्होंने सानूं कलंकित होण तों बचा लिया उन्हां ते हमला हुंदा रहा हथियार उन्हां दे कोल ने उन्होंने अनुशासन का पालन किया हुक्म का पालन किया इस करके दिल्ली पुलिस भी बधाई की पात्र है वो धन्यवादी हाँ असी और मोदी जी और अमित शाह जी सूझबूझ के भी धन्यवादी हाँ जिन्होंने सानू कलंकित होने तो ये करना चाहते थे कि जिस तरह 84 का कलंक जोड़ा है नसलकुशी का सिखा की नसलकुशी का ये कांग्रेस से लग्या उस तरह का साढ़े लगाना चाहते थे। असी क्या नहीं मोदी जी ने कहा नहीं अमित शाह जी ने कहा नहीं ये साधारण किसान ने इन्हते असी कोई इदा की ताकत नहीं बढ़ सत्ता पत्र क्यों नहीं फिर दिंदी सरकार जे एक फोन कॉल दी दे रहे फिर सत्ता क्यों नहीं दिंदी पत्र नहीं मिलना वो हुण 7-7 घंटे बैठ के साडे मिनिस्टर ने उन्होंने सारिया चीज़ा डिस्कस कर वो कोई चीज़ नहीं रह गई जो कोई नवी चीज़ आ मंत्री जी ने अज भी सानू कहा जो कोई नवी चीज़ आ उन्होंने पुछ लो वो दसन आप अद्धी रात नूं भी बैठो जी कह रहे हो सत्ता पत्र हुण नहीं देना अरे भाई हुण तां उन्होंने दसना कि नवी चीज़ कि डिस्कस करनी है बाकी तो हो गई उम्मीद हैगी कोई बैठक होने की अरे भाई उन्होंने ये जड़े ने ना जोगिंदर यादव वगैरह इन्हों का मन नहीं है इस गल नूं खत्म करना ये इस नूं लंबा करना चाहते हैं इन्हों तारा कितने होर लगियां वजह की आ हर वारी कहने गरेवाल साहब लंबा करना चाहते आखिर वजह की ये पिछे वजह ये पिछे की होनी है वजह तो यह है कि भी विदेशों तो इन्हों इशारा आता उस लैके चलते हैं जिहड़ियां पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने 18-20 दे करीब वो तो मन गईआं सी कि सारा कुछ साडा हो गया जी हुण छड्डो इहनूं बंद करो ये तो इन्होंने जोगिंदर यादव होना ने आके बाकी जिन्हें ने आ दर्शनपाल वगैरह इन्होंने खराब किया इन्होंने नहीं खत्म होना हल किवें निकलेगा सर ये हल तो यदा यही निकलेगा कि यह किसान जथेबंदियां इन्हों दे उस चो बाहर आ जाए ये जो 4-5 लोग ने हल निकलिया हो निकल जाए बिल्कुल ये साढ़े नाल सन हरजीत सिंह गरेवाल कैमरामैन प्रदीप राणा के नाल हरप्रीत सिंह पीडीसी न्यूज़ दिल्ली।